कुशवाहा समाज ने बुधवार को अपने आराध्य भगवान लवकुश की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई। समाजजनों ने ट्रैक्टर ट्राली में भगवान लवकुश की झांकी सजाई और पूजा अर्चना कर बैंड बाजों और डीजे के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। सिद्धि विनायक मंदिर कुंदा तट से यात्रा प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्ग सारापा बाजार, पोस्ट ऑफिस चौराहा, श्री कृष्णा की सिराहा, बस स्टैंड होते हुए कृषि उपज मंडी पहुंची। वहीं चल समारोह में सजी झांकी आकर्षण का केंद्र रही। झांकी में दो बालक लवकुश बने बैठे थे। इसके अलावा खाटू श्याम, चंद्रयान 3, श्री राम दरबार के साथ लवकुश के शिक्षा दीक्षा की जीवंत झांकी भी शामिल की गई। चल समारोह के समापन के बाद भगवान लवकुश की महाआरती की गई तथा प्रसादी वितरण हुआ। शोभा यात्रा के दौरान रास्ते भर युवा डीजे पर बज रहे भगवान के भजनों पर थिरकते हुए चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मैं प्रभात क्षेत्र से और संपूर्ण जिले क्षेत्र से हमारे सम्मिलित हुए। उसमें 8 से 10 झांकियाँ हैं, 8 से 10 डीजे हैं और महिला वर्ग में माता बहनें की बड़ी संख्या में शामिल हुई है। ये प्रति वर्ष हम करते हैं। लोकुश भगवान हमारे आराध्य भगवान है और उनका जन्मोत्सव रक्षाबंधन के पूर्णिमा पर्व के दिन मनाते हैं। ये गणेश मंदिर होते हुए आनंद मंदिर समापन होगा इसका। इसमें शुरुआत को हमने आरती पूजन किया, उसके बाद डीजे और झांकी शोभा यात्रा के साथ यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर हम चलित झांकियाँ लेके आए, सजीव झांकियाँ हैं। हमारे आराध्य भगवान सजीव रूप से विराजमान हैं और रामायण के पास तो यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। आप देखिएगा बड़गांव की झांकी आ रही है, वहाँ पर रामायण के संवाद चलित रूप से सजीव रूप से आपको दिखेगा। साथ ही साथ समाज जनों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, सामाजिक बंधु राजनीतिक बंधुओं द्वारा भी स्टॉल लगाए गए हैं, सेवाएं दी जा रही है और मंडी में भोजन प्रसन्न का इसका समापन करेंगे और आरती पूर्ण लोग पाठ होगा। मैं बाबूलाल कुशा, प्रभाग महामंत्री। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।